अफ्रीका की एक गुफा में बनी इस प्राचीन पेंटिंग में दिखाया हुआ ये अंडा, या फिर स्वीडन के एक पेंटिंग में दिखाई गई ये गोल अंडे जैसी चीजें। प्राचीन संस्कृतियों में काफी जगह अंडे के चिन्ह का जिक्र जरूर मिलता है। भले ही संस्कृति कोई भी हो, हर संस्कृति में अंडे जैसे इन चिन्हों को पेंटिंग्स में या पत्थरों की मूर्तियों में दिखाया गया है। नॉर्डिक ट्रेडिशन, इजिप्शियन माइथोलॉजी और तो और प्राचीन हिंदू धर्म में भी इस पवित्र अंडे का जिक्र मिलता है। जबकि आज से हजारों साल पहले ये सारी संस्कृतियाँ, ये सारे देश एक दूसरे से अलग और एक दूसरे से दूर थे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आज से हजारों साल पहले ये सारी संस्कृतियाँ किसी माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी हुई थी? और आखिर क्यों दुनिया भर की इन सारी संस्कृतियों में ऐसे अंडे दिखाए गए हैं? आज के वीडियो में हम इसी रहस्य पर बात करेंगे। इस बात में कोई शक नहीं है कि इन अंडों को जन्म का प्रतीक ही माना जाता होगा। लेकिन शोधकर्ताओं ने इस बात पर सवाल तब उठाया जब दुनिया भर में मिले इन बहुत सारे अंडों में से इंसान को भी निकलता दिखाया गया है। अब इंसान का जन्म तो अंडे से नहीं होता, लेकिन ये बात सच है कि इंसान का जन्म पुरुष के शुक्राणु और औरत के अंडे से मिलकर ही होता है, और इस बात का पता आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी से चल पाया है। लेकिन दुनिया भर की प्राचीन संस्कृतियों में जीवन की रचना से जुड़ी ऐसी कहानियां हैं जिनमें कहा गया है कि जीवन की शुरुआत अंडे से हुई थी। और हैरानी की बात यह है कि इंसान का जन्म भी शुक्राणु और अंडे के मिलन से ही होता है। मगर प्राचीन लोगों को ये कैसे पता था कि हम इंसानों के अंदर भी अंडे होते हैं? क्या प्राचीन विश्व के लोगों को इसके बारे में जानकारी थी कि इंसान का जन्म अंडे और शुक्राणु के मिलने से होता है? और अगर थी तो कैसे? गर्भावस्था में भ्रूण जब माँ के पेट में होता है तब उसकी स्थिति कुछ ऐसे होती है, और ये सब पता चल पाया है आज की एडवांस टेक्नोलॉजी सोनोग्राफी की मदद से। अब जरा मध्य प्रदेश के काल भैरवनाथ मंदिर में शिल्पित इस शिल्पकला को देखिए। दिमाग पर ज्यादा जोर डाले बिना ही हम आसानी से बता सकते हैं कि इन शिल्पकलाओं में हजारों साल पहले ही हमारे पूर्वजों ने क्या दिखाने की कोशिश की थी। इस शिल्प में साफ साफ गर्भावस्था में एक शिशु की अवस्था दिखाई गई है। तो इस शिल्प में शुक्राणु और अंडे के मिलन की प्रक्रिया दिखाने की कोशिश की गई है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने यह दावा भी किया है कि जल्द ही वो लैब में आर्टिफिशियल एम्ब्रियो बनाकर उससे आर्टिफिशियल मेथड से बच्चे का निर्माण कर सकते हैं। अगर आज ये मुमकिन है तो आज से हजारों साल पहले भी ये टेक्निक मौजूद हो सकती है, और इसका उदाहरण देखने को मिलता है महाभारत में। महाभारत में गांधारी के 100 पुत्र थे, और इन 100 पुत्रों को महर्षि वेदव्यास ने आर्टिफिशियली बनाया था। उन्होंने अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके एक मांस के गोले से 100 बच्चों का निर्माण किया था, जिस प्रक्रिया को आज मॉडर्न साइंस में टेस्ट ट्यूब बेबी या एम्ब्रियो रीजनरेशन टेक्निक कहते हैं। सुनने में ये कहानी काल्पनिक लगती है। इस कहानी का कोई हिस्सा काल्पनिक हो भी सकता है, क्योंकि हजारों सालों से चली आ रही कहानी में थोड़ा फेरफार होना स्वाभाविक है। लेकिन मुद्दा ये है कि आज से हजारों साल पहले दुनिया भर की प्राचीन सभ्यताओं को और खासकर हम भारतीयों को इंसानी शरीर से जुड़ी सारी जानकारी थी, और इंसानी शरीर के अंदर मौजूद इन सारे घटक के बारे में जानने के लिए यकीनन काफी एडवांस मशीन भी उस समय जरूर रही होगी, और इस बात को साबित करने के लिए ये सबूत काफी है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।